देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1660 नए केस सामने आए हैं और 41 लोगों की मौत हुई है। कल कोरोना के 83 लोगों की मौत हुई थी। देश में अब तक कोरोना के 4,30,16,372 मामले सामने आ चुके हैं। जानिए देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2,349 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 16,741 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,20,855 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,80,436 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,07,749 डोज दी गयी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 182,87,68,476 डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण 16 मार्च को शुरू हुआ था। इन्हें कोर्बेवैक्स टीका दिया जा रहा है, जिसकी दो खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जानी होती हैं। देश में पिछले साल 1 मार्च तक 12 और 13 साल के बच्चों की संख्या 4.7 करोड़ थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।